नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर के आया हूं। दोस्तों वो गुड न्यूज ये है कि आज से हमारा जो चैनल है प्रभु यूपीपी, इस चैनल के साथ एक बहुत ही खास मेंबर जुड़ने वाले हैं दोस्तों। और मेंबर क्या बोलूं, ये कहिए कि वो हमारे यूट्यूब पार्टनर भी बनने वाले हैं। दोस्तों वो कोई और नहीं, हमारे बहुत खास मित्र हैं जो कि हमारे साथ ट्रेनिंग किए हैं और हम दोनों का सिलेक्शन एक साथ हुआ था, हम लोगों ने ज्वाइनिंग एक साथ किया था और यहां तक कि 7 महीने की जो हमारी ट्रेनिंग होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो भी हमने साथ में किया था। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग श्रावस्ती जनपद में है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं विनय यादव की। दोस्तों विनय यादव सीतापुर के रहने वाले हैं और बाकी जो डिटेल्स है वो खुद आपको बताएंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए आपको मैं सीधे मिलाता हूँ विनय यादव से। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव। जैसा कि मेरे बारे में प्रभु शाह के द्वारा बताया गया लोगों को कि मैं श्रावस्ती पुलिस में विगत 4 वर्षों से तैनात हूँ। मैं 41,520 भर्ती का कैंडिडेट हूँ। इस भर्ती के अलावा भी मैंने अन्य 4 परीक्षाएँ 5 पास की हुई हैं। मेरा 4-5 जगह और सिलेक्शन हुआ, लेकिन जैसा कि मुझे पहले से ही वर्दी पहनने का शौक था और मैं पुलिस में आना चाहता था, तो मैंने यूपी पुलिस को प्रेफर किया और मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 52,000-53,000 वैकेंसी आने वाली हैं और साथ में कुछ SI की पोस्ट भी आ रही हैं, SI की वैकेंसी भी आ रही हैं। तो हम लोगों जैसे कि प्रभु सर और मैंने साथ में बैठ के इस बारे में विचार किया कि क्यों ना अपने प्लेटफॉर्म प्रभु UPP के माध्यम से आप लोगों की तैयारी और अच्छे से करवाई जाए, जो कि हम इस प्रकार तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग किस प्रकार से एग्ज़ाम को और अच्छे तरीके से क्रैक किया जा सकता है, कैसे आप लोग एग्ज़ाम हॉल में फेस करेंगे चीज़ों को, कैसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, कैसे आप अपनी जो परीक्षा है अपनी जो तैयारी है उसको और पुख्ता करेंगे, इसके माध्यम से हम स्ट्रेटजी के माध्यम से इसको कवर करवाएंगे। दूसरा, आप अपने पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा वो किस हिसाब से आप उसको मेंटेन करेंगे, पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे होता है ना कि नॉर्मली स्टूडेंट्स एक किताब खरीदते हैं और लगातार पढ़ते जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि उस किताब में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग किताबें खरीदते हैं और उसमें सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर ज़रूरी नहीं होता है कि किताब में दी हुई सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं। तो हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से उन सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, कौन सी चीज़ों को पढ़ के हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, हमने 4-5 एग्जाम कैसे निकाले हैं, प्रभु सर ने अपनी तैयारी कैसे की है, ये सब कुछ इस पाठ्यक्रम के माध्यम से समझाया जाएगा, अच्छे से टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। पाठ्यक्रम में मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और GS। GS मतलब जनरल साइंस, जिसमें आपके लगभग 6 सब्जेक्ट होंगे, साइंस होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और UP स्पेशल। हिंदी आपकी होगी, जो कि हिंदी आपकी ग्रामर होगी, व्याकरण होगी, हिंदी व्याकरण, और साथ में हिंदी का कुछ स्टैटिक्स पोर्शन होगा। रीजनिंग आपकी होगी, मैथ्स होगी, इन 4 सब्जेक्ट्स को। और उसके बाद आपको जब आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा तो साथ में रिवीजन भी करवाया जाएगा। रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। टेस्ट जो होंगे आपके, डेली क्विज होगा, मंथली होगा और वीकली होगा। वीकली फुल लेंथ टेस्ट होगा, मंथली फुल लेंथ टेस्ट होगा, लेकिन डेली टेस्ट जो होगा क्विक रिवीजन टाइप का होगा। और साथ में आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और डे टू डे वाइज आपको डेली क्लासेस दी जाएंगी मेरे और प्रभु सबके द्वारा। कंप्लीट आपको फुल पैकेज दिया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं और प्रभु सर अपने पूर्ण अनुभव जो कि मैंने विगत 3-4 वर्षों में लिया है उसके माध्यम से आप लोगों की तैयारी पूर्ण मनोयोग के साथ करवाएंगे। जय दोस्तों।